ऊपर का पार्ट, अभी तक मुझे ये पार्ट हिला हुआ लग रहा था, अब मुझे ये वाला पार्ट लग रहा है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम अर्पिता है और आज मैं आपके सामने एक नया रामेन चैलेंज स्पाइसी नूडल वाला ट्राई करने जा रही हूँ, जो कि है 3x बुलडक स्पाइसी नूडल चैलेंज, स्पाइसी रामेन चैलेंज 3x। और ये है लिमिटेड एडिशन, मतलब आप ध्यान से देख रहे हैं, दिस इज़ लिमिटेड एडिशन 3x स्पाइसी रामेन चैलेंज। एंड मतलब सच बताऊँ तो मैं थोड़ी मतलब मुझे अपने आप को इस चैलेंज के लिए रेडी करने में टाइम लगा था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी में है। मतलब जितना पुराना मैंने 2x खाया था, ये उससे ज़्यादा स्पाइसी है। एंड आई एम लाइक ओ गॉड, पता नहीं क्या हाल होने वाला है मेरा। तो इस वजह से हम फुल रेडी सेटअप में अपने आ चुके हैं कि चैलेंज वाला है, तो चैलेंज वाले मोड में हम पूरा करेंगे। और इस वजह से ना, मतलब एक चीज़ ज़रूर है कि कभी भी आप स्पाइसी कुछ भी खाएं, उससे पहले थोड़ा दूध ज़रूर पी लीजिएगा। तो मैं भी वही दूध पीऊँगी और उसके बाद हम चैलेंज ट्राई करने वाले हैं। सो देखते हैं क्या रहता है। मतलब मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ, मुझे अपने आप को मतलब ऐसे कहीं ना कहीं लेट्स सी कि मैं इसको कम्प्लीट कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी, अभी आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। इसके साथ हमें मिले हैं फ्लेक्स बुलडक स्पाइसी फ्लेक्स और हॉट चिकन रामेन सूप 3x। ये सूप वाला इसका पेस्ट है, आई डोंट नो। तो अब हम डाल रहे हैं इसकी सॉस, जो कि बहुत ही ज़्यादा पतली है। जो बेसिक थिक सॉस होती है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत ही ज़्यादा पतली है। मैंने इसमें 12 स्पून पानी के डाले हैं, क्योंकि 8 स्पून मैंने जब भी डाले ना, हमेशा वो बहुत ही ज़्यादा ना एकदम ड्राई ड्राई हो जाता था। तो मैं सोचा 12 की शुरुआत करते हैं, ज़्यादा बेटर है। एंड दिस इज स्टर फ्राइंग, थोड़ा सा ऑयली ऑयली बेस भी इसमें दिख रहा है, इसके सूप की बेस में ऑयली 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 टेक्स्चर भी दिख रहा है। चलो पकने देते हैं इसको हम। तो फाइनली रेडी है हमारा मतलब 3x स्पाइसी रामेन। एंड थोड़ा तो मतलब फॉर सेफ्टी मेजर्स मैंने थोड़ा सा दूध रखा है अपने साथ, कि अगर ज़्यादा बैंड बज गई मेरी, जो मुझे पता नहीं क्यों ऐसे अंदर से इंट्यूशन आ रही है कि हो सकता है ज़्यादा स्पाइसी हो। बातें ख़त्म करते हैं। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। एंड नाउ अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद, इसके सेसमे सीड्स और सी वीड को अच्छी तरह से मिक्स करके अब हम चलो शुरुआत करते हैं। गॉड, सो दिस वॉज स्टर फ्राइड। जो इसके प्रोसीजर तो उसके हिसाब से हमने बनाया है। नाउ लेट्स गो। मतलब है स्पाइसी है, पहले एकदम से बाइट में स्पाइसी लगा, थोड़ी टंग पे लग गया है, बट अभी इट्स लाइक ओके, राइट नाउ इट्स ओके। मगर मुझे रियलाइज़ हो रहा है, अगर आपको इसमें थोड़ा सा धसका वसका बढ़ गया ना, तो गया। अभी मेरा गला जलना चालू हो गया है। 3 बाइट खाई है, 2 बाइट खाई है, मुझे याद नहीं आ रहा। गला जलना चालू हो गया मेरा, मगर आई एम एबल टू ईट इट।
मेरी अभी की स्ट्रैटेजी ये आ रही है, छोटे छोटे बाइट जो मैं निकाल पाऊँ जल्दी। खाओ, नाक खुल गई मेरी। कितने बाइट हुए हैं पता नहीं। कभी भी ये चैलेंज करें 200 रुपये। अभी मेरे यहाँ यहाँ पे गर्म लग रहा है, दिमाग पे गर्मी नहीं चढ़ी। बचा हुआ है मुझे लग रहा है, क्योंकि इसको स्टर फ्राई कर दिया है। मैं भी हो सकता है ये इतना स्पाइसी ना लग रहा हो, मतलब एकदम से दिमाग बंद होने वाला। अभी वाली हालत नहीं है। मगर मेरी जो जवान है गरम गरम होने लगी है, मुझे मन नहीं कर रहा। खा तो सकती हूँ होपफुली, ख़त्म नहीं हो रही मतलब। ये कुछ दिमाग पे चढ़ा हुआ पेन नहीं है, यहाँ यहाँ तक ही घूम रहा है अभी। या तो मुझे आदत हो गई है तो मैं अभी बेहोश नहीं हो रही। पानी पीऊंगी मैं। ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, अब इसको 5 मिनट में ख़त्म कर लेते तो कर लेते। अभी जहमत है कि मैं बोल पा रही हूँ थोड़ा। लग नहीं रहा है कि ये ख़त्म हुआ है। फ्राई करके
इसकी दिमाग बंद करने वाली मिर्ची नहीं है, बट मेरा दिमाग नम नहीं हुआ है। खत्म, दूध खत्म। मेरा दिमाग नम नहीं हुआ है बट मेरे पूरे मुंह में इसने मेरे मुंह को ना अंदर से आग बबूला मिर्ची के भाप वाला कर दिया। मैं जो सांस ले रही हूँ फुल स्टीम वाली हो रही है, गरम। ये स्टे फ्राई में ऐसा है, जबकि जहाँ तक मैंने रियलाइज़ करा है स्टे फ्राई में थोड़ी मिर्ची हल्की कम हो जाती है, बट ये मिर्ची कम करने के बाद अगर ऐसा है भाई साहब खाएगा मुझे बताना जिसने कम्प्लीट करा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना। हो सकता है कि कमेंट्स पढ़ के मुझे थोड़ी इनकरेजमेंट मिले और मैं खा पाऊँ, बट अभी हिम्मत नहीं हो रही खाने की। अभी ऐसा लग रहा है मेरे सर पे थोड़ा ना भारीपन हो गया है। सोचा था आई कैन ईट, गॉड चक्कर आने वाला फील लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है। अलग अलग धीरे धीरे इफेक्ट्स आ रहे हैं बट मैं बोल पा रही हूँ, ये मैंने स्टे फ्राई नहीं करा तो मैं बोल पा रही हूँ। माई ब्रेन राइट नाउ इज हैवी, सच बता रही हूँ। अभी मुझे लग रहा है मेरा ऊपर का बॉडी पार्ट, सुनो ऊपर का पार्ट, अभी तक मुझे ये पार्ट हिला हुआ लग रहा था, अब मुझे ये वाला पार्ट लग रहा है। अलग अलग टाइप से ये ट्रिगर कर रहा है मेरी बॉडी को। आधा किलो दूध पी गई मैं इसके चक्कर में। सिंगल सिंगल खा पा रही हूँ, मे भी मैं खा सकूँ, हो सकता है मेरा मुँह से वो हो गया हो जान पहचान।
मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसको खा पा रही हूँ, छोटी छोटी बाइट। बट माई माइंड इज नम राइट नाउ। चार कौरे हैं, तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो ज़रूर बताना। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हम आपको जल्दी मिलेंगे। बाय 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 बाय।